और रुख दिल्ली का करते हैं, जहां पर बेसमेंट में कोचिंग की जो लाइब्रेरी चल रही थी उसमें कैसा एक हादसा हुआ है, हमने जानने की कोशिश की कि देश के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है और वाकई जो परिस्थिति पूरे देश की है वो बहुत डराने वाली है। जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा कभी भी हो सकता है, आज तक ने कई शहरों की पड़ताल की है। जयपुर के कई कोचिंग इंस्टीट्यूट या तो नियम तोड़कर बेसमेंट में चलते हुए पाए गए हैं, प्रशासन के आदेश का कोई भी असर जयपुर के कोचिंग वालों पर नहीं दिखा है, यहां तक कि आदेश तो जांच का निकला लेकिन दावा है कि दो दिन में प्रशासन का कोई भी व्यक्ति झांकने नहीं आया कि कैसे गैर कानूनी रूप से जयपुर में बेसमेंट चल रहा है, बेसमेंट में सेंटर चल रहा है। आज तक संवाददाता पड़ताल करने लगे तो जयपुर की मेयर ने जल्द एक्शन का भरोसा दिया। जयपुर में इस तरह से बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं जो ऊपर कोचिंग और नीचे लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं किस तरह से कि रास्ते कितने अवरुद्ध हैं और इस तरह से यहाँ पर लाइब्रेरी बनाया गया है जहाँ पर बच्चे नीचे बेसमेंट में पढ़ते हैं। ये पर्व लाइब्रेरी है जहाँ पर इस तरह से ये लाइब्रेरी बना हुआ है, एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें देखा जा सकता है कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? जॉन यादव। जी, कब से लाइब्रेरी चल रहा है? 3 महीने से। लेकिन राजस्थान में जयपुर में तो बेसमेंट में अलाउ नहीं है, तो कैसे खोले आप? सर फायर एंड ओसी वगैरह सब है हमारे पास, आप देख सकते हैं। सर फायर तो है लेकिन बेसमेंट तो अलाउ नहीं है यहाँ, इसकी जानकारी नहीं थी। अभी जैसे ही मेरे को इसके बारे में जानकारी मिली तो मैं अभी यहाँ से क्लोज करके शिफ्ट कर रहा हूँ। आप एक तंग गेट से अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद इस तरह से ये निकलने और घुसने का रास्ता है और ये देखिए किस तरह से बाहर से आकर अंदर आके पीछे के दरवाजे से आपको यहाँ पर कोचिंग दिखाई देगा। यहाँ पर बेसमेंट में कोचिंग चल रहा है, ये हम आपको दिखाना चाह रहे थे। इसमें क्लासेस चल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, हम तो ये जानना चाह रहे थे कि बेसमेंट में क्या इस तरह से कोचिंग चलाना सही है। ऊपर आपको मालूम पड़ जाएगा बेसमेंट में तो कोचिंग चलाना सही नहीं है, लेकिन स्थिति को देखते हुए रास्ता इतना तंग है, मान ले कोई भी हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, निकलने का रास्ता बहुत दुरूह है इसमें। बिल्कुल, आपने दिल्ली का हादसा देखा है, किस तरह से तंग रास्ते से अंदर आना पड़ रहा है, डर नहीं लगता है? सर लगता तो है लेकिन कोचिंग में तो पढ़ना पड़ता है ना, कोचिंग पढ़ना पड़ता है, लेकिन डर तो लगता है जब देखते हैं तो। जयपुर के कोचिंग हब में ये मिस्टी क्लासेस है, देख सकते हैं ये 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें नीचे आपको दिखाई देगा कि बेसमेंट में भी क्लासेस चल रहे हैं और इस तरह से अगर आप बेसमेंट पे नीचे उतरे और जाएंगे देखेंगे तो नीचे बच्चे आते हैं। हालांकि देखिए रोड लेवल से जितना ये ऊँचा होना चाहिए उतना है नहीं, क्या आप लोग के पास इसकी इजाज़त है नगर निगम से? नहीं, इजाज़त तो नहीं है सर बेसमेंट में, जैसे अभी इन्फॉर्मेशन जो आई है दिल्ली से रिलेटेड, बाकी उसके लिए जैसे NOC आग वाला सिस्टम है उसके लिए भी कर रहे हैं अपन, है ना, वो कर रखा है हमने, अप्लाई कर रखा है, बाकी अपना ये सिटिंग है फायर के NOC है। हाँ बिल्कुल, जैसे सामने एक और बिल्डिंग है उसमें इसमें नहीं है, अभी अप्लाई कर रखा है उसके लिए। देखिए एक तो दिल्ली का जो मुद्दा है, दिल्ली की घटना है, बेहद दुखद है और इसमें जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ में जनता से भी एक अपील करना चाहती हूँ, छात्रों से भी अपील करना चाहती हूँ कि अगर उनको लगता है या जनता को लगता है कहीं भी इस तरह उनकी उनकी सुरक्षा को खिलवाड़ करके या ऐसी कोई बिल्डिंग है जिससे कोई घटना घटित हो सकती है, तो वो भी संबंधित एजेंसी है उनको शिकायत जरूर से करें ताकि उस पर कार्रवाई कर सकें। और वाकई देश के अलग अलग राज्यों शहरों तक जब हमारी टीमें पहुंच रही हैं तो हम देख रहे हैं कि हर जगह कमोवेश इस तरह की परिस्थितियां हैं। जयपुर के बाद हम भोपाल की बात करते हैं क्योंकि भोपाल में ऐसा कहा जा रहा है कि हादसा दिल्ली की तरह का हो सकता था क्योंकि न केवल बेसमेंट में क्लास चल रहे थे बल्कि उस बेसमेंट में पानी भी भरा हुआ था। MP नगर में कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरा हुआ मिला, प्रशासन ने जांच की, पाया कि कोचिंग के बेसमेंट में ये क्लास चल रही थी। अब आज तक के साथ पड़ताल में सच सामने आया तो प्रशासन ने कोचिंग का बेसमेंट सील कर दिया। हम एक कोचिंग में मौजूद है इस समय, हम जो टीम यहाँ पे लगातार सर्वे कर रही है भोपाल में SDM हुजूर की नेतृत्व में जो टीम दौरा कर रही है हम उसमें दिखा सकते हैं। देखिए ये बेसमेंट में कोचिंग थी जिसमें अगर देखिए तो आप पानी भी फिलहाल भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है और सिर्फ यही नहीं अगर आप देखें यहाँ पे तो कोचिंग जो चल रही थी उसका अंदाजा इस बात से भी लग सकता है कि
जो सामने बोर्ड आप देख रहे हैं उस पे भी जो फॉर्मूले हैं वो लिखे हुए हैं, यानी यहाँ पे कोचिंग चल रही थी और आनन फानन में जब दिल्ली में हादसा हुआ है तो इस कोचिंग को फिलहाल यहाँ पे बंद किया। ये बेंचेस भी लगी हुई है यहाँ पे, ये मान सकते हैं सर यहाँ पे कोचिंग चल रही थी इसका मतलब, और आनन फानन में जो हादसा दिल्ली में हुआ उसके बाद इन्होंने फिर इसे रास्ते को बंद किया, क्योंकि कोई स्थायी वो नहीं था, बस एक बोर्ड वहां रखा हुआ था जिसे आपने हटाया। हम स्थायी तौर पर इसको बंद कराएंगे, नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा के अधिकारी भी हमारे साथ हैं और टोटली बंद कराएंगे इसको अभी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे भी एक तरीके से इंतजार कर रही थी और हादसे का इंतजार जो है वो हो रहा था यहाँ पे, क्योंकि ये आप देखें अगर मेरा पैर अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपको पानी दिख जाएगा, ये आप देखिए ये पानी है और ये पानी पूरी क्लास में भरा हुआ है, यानी अगर दिल्ली जैसा हादसा होता, तबाही होती, बारिश होती तो पानी तेजी से इस बेसमेंट में भरता और यहाँ पे जो छात्र उस समय पढ़ रहे होते उनकी जान पर भी बन सकती थी। लेकिन भोपाल में जो है उससे पहले ही दिल्ली जैसे हादसे के तुरंत बाद सबक लेते हुए जो कोचिंग संचालक हैं उन्होंने शायद यहाँ पे इसको अस्थायी रूप से बंद करा, लेकिन फिर भी जब टीम यहाँ पहुंची है तो टीम ने पाया कि बोर्ड पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, बेंचे यहाँ पे हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी कोचिंग चलती थी। और अब प्रशासन का कहना है कि इस कोचिंग को भी स्थायी रूप से जो बेसमेंट में चल रही है उसे बंद किया जाएगा। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। और अब आपको दिखाते हैं कि लखनऊ में जब हमारे संवाददाताओं ने पड़ताल की तो क्या निकल कर आया। अब इस जगह की पहली कोचिंग में हम दाखिल होने जा रहे हैं और जब हम दाखिल होने जाते हैं तो मेरे सामने आता है एक तारों का जंजाल। अब आप तारों को देखिए ऊपर और अब आप यहाँ पर देखिए कि ये एक तार है और मेरी हाइट 5.8 है और मेरे गले के नीचे तक ये तार का आखिरी एंड आ रहा है। बारिश का मौसम है, अगर गलती से भी मैं इसे टकरा जाऊं चांसेस हैं कि बिजली लग सकती है, करंट लग सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी केवल मैं इस रास्ते से चलकर जब यहाँ इस सीढ़ी से चढ़कर यहाँ पहुंचता हूँ तो ये वायर मेरे रास्ते में आता है। जब बच्चों की भीड़ इस क्लास में 10-12 बच्चे एक साथ इसी जगह से इसी रोड से चलकर जाते होंगे तो कितनों के सर टकराते होंगे, कितनों का कंधा टकराता होगा, कितनों के हाथ टकराते होंगे और कितनों को ये सिचुएशन जिनके लिए बनती होगी कि करंट लग सकता है। अभी मेरे कैमरामैन का कंधा भी यहाँ टच किया है क्योंकि वो कैमरा चला रहे हैं। अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ बायोलॉजी की क्लास है और ये देखिए यहाँ पर बिजली के तार किस तरह से अस्त व्यस्त तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए तस्वीर आप यहाँ पर कि यहाँ मकड़ के जाले तक लग गए हैं। इसका मतलब साफ है कि आखिरी बार इसकी चेकिंग कब हुई होगी किसी को भी नहीं पता, किस गंदगी से यहाँ तार लगे हुए हैं। अब आपको मैं नीचे लेकर चलता हूँ, आप ये यहाँ पर। अब हम नीचे आ चुके हैं और नीचे की तस्वीर और भयावह और डरावनी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि ये किसी कोचिंग नहीं बल्कि कोई खंडहर प्रतीत होता है। अब आप यहां पर आते हैं तो आप देखते हैं यहां पर एक सामने और कोचिंग है जिसमें की जंजीर लगी हुई है और यहां पर लॉक है, 3 लॉक लगे हुए हैं। अंदर जो टीचर है उनकी फोटो बनी हुई है और तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर मुझे खड़े होकर रिपोर्ट करते हुए सफोकेशन हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब बच्चे यहाँ से अंदर आते होंगे तो उनको क्या लगता होगा।